नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं अपना पतंगा फरमा। आप अपने मन के हिसाब से पतंगे फरमे बना सकते हैं, और हाँ, ये पॉसिबल है। आपको किसी दूसरे की पतंग की ज़रूरत नहीं, अपना फरमा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फरमा बनाने के लिए देखिए, 3 स्टेप में आपका फरमा बन जाएगा। पहले स्टेप में हमें एक ठो न्यूज़पेपर लेना है, इस टाइप का न्यूज़पेपर है, चौकोर न्यूज़पेपर है। और हमें क्या कहते हैं इसका, मतलब ये बीच से ऐसे फोल्ड करना है, क्या कहते हैं, मतलब आपको स्क्वायर फोल्ड नहीं करना है, आपको ये ट्रायंगलर फोल्ड जो होता है, ट्रायंगलर फोल्ड करना है। ट्रायंगलर फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इस टाइप से हमें दोनों की एजेस मीट करा देनी है, और इस टाइप से ट्रायंगलर फोल्ड करके हमें इसको रख लिया। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कहते हैं, एक मेजरिंग टेप लेना है, इस टाइप का मेजरिंग टेप। आप एक स्केल भी ले सकते हैं, और स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो जहाँ से हमारा ट्रायंगुलर जो फोल्ड है वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हम 4 4 इंच देख सकते हैं, 4 इंच के साढ़े लगभग 4 4.2 या 4.5 इंच के आसपास नीचे से हम लोग अपने ठड्डे का नाप लेंगे। अब दोस्तों, ये 4 इंच की जगह क्यों मैं छोड़ता हूँ, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा और आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 4 इंच की मैंने जगह छोड़ के यहाँ से मैंने 0 से स्टार्ट किया, और ठड्डा जो है, हम लोग आज पौना पतंग बना रहे हैं, तो पौने का ठड्डा जो होता है 23.5 इंच के आसपास का वो लगभग होता है। तो 23.5 इंच के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ये देखिएगा। और दोस्तों, 23.5 इंच आसपास यहाँ पहुँचेगा, और 2 सूत आपको आगे रखना है। 2 सूत इसलिए आगे रखना है दोस्तों, क्योंकि ठड्डा जो होता है पतंग में थोड़ा सा नीचे लगता है, मतलब ऊपर से जब ठड्डा आप लगा दें थोड़ा सा नीचे लगता है, क्योंकि वहाँ पर पलटाई भी होती है। तो इस टाइप से हमने अपना ठड्डे का निशान यहाँ लगा दिया, देख सकते हैं, ठड्डे का पॉइंट 23.5 पे हमने लगा दिया, और हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है वो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पौनी की कमान होती है, पौनी की कमान होती है अराउंड 23.5 इंच की। तो 23.5 इंच की पौनी की कमान होती है, तो पौनी की कमान के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना पतंग लेना है और इसको स्क्वायर फोल्ड जैसे किया था वैसे हम दोबारा स्क्वायर फोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों, स्क्वायर फोल्ड करने के बाद क्या कहते हैं, हमारा ठड्डा जो है, ये देखिए ठड्डा जो हमने निशान लगाया, वो नीचे का निशान आपका यहाँ पर आकर लगा है, ये देखिएगा, और ऊपर वाला निशान आपको दिख रहा होगा क्लियरली इस पे। तो दोस्तों, जहाँ से हमने ठड्डा लगाया था, तो 23.5 इंच का ठड्डा था, तो जहाँ से ठड्डा ऊपर शुरू हो रहा है, ऊपर से लगभग 11.5 इंच पे, सॉरी हाँ, ये ऊपर से ठड्डा शुरू हुआ, तो ये देखिए 11.5 इंच, 11.5 इंच बीच में यहाँ आता है। यहाँ हमें एक निशान और लगाना है, ये देखिएगा, मैं एक निशान और लगा रहा हूँ, इस 11.5 इंच पे लगा है, जहाँ से ठड्डा शुरू होता है वो देखिएगा, वहाँ से यहाँ पर 11.5 इंच पे एक निशान और लगाया है। ये निशान किसने लगाया मैं अभी बताता हूँ आपको। और नेक्स्ट स्टेप में वही हमें अपना मेजरिंग टेप लेना है, और मेजरिंग टेप में 26.5, ये देखिए 26.5 यहाँ आएगा, इससे 2 सूत ज़्यादा, 2 या 3 2 या 4 सूत ज़्यादा हमें लेना है, और ये बीच पे हम रखेंगे, ये हमने बीच में रखा, ये देखिए ये हमने बीच में रखा, ये देखिए। अब हमें इसको क्या कहते हैं, ऐसे मीट कराना है कि क्या कहते हैं, ये बीच से आपका 26.5 इंच क्या कहते हैं लगभग आपका हो जाए, देख सकते हैं, ऐसे मीट कराना है कि लगभग दोनों साइड बराबर रहे। तो दोनों साइड बराबर करने के लिए 13 13 26, और ये 2 सूत आगे, ये देखिए, अब ये हमारा बिल्कुल बराबर है, इधर देखिए 26.5 के 4 सूत आगे इधर है, और 4 सूत बोलूँगा है, या फिर मैं 4 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं उसको, 4 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, 0.4 सेंटीमीटर, इस टाइप से, ये देखिए, आप 1 2 सूत क्या कहते हैं, आप आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप से हमने ये अपना ठड्डा जो है, ये हमने बीच में यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड क्या कहते हैं, हमें फिर निशान लगाने हैं, ये देखिएगा, ये मैंने मार्क कर लिया अपना, और 26.5 के थोड़ा सा आगे 2 सूत आगे मैंने निशान यहाँ लगा दिया, ये देखिए, ये देखिए, मैं निशान लगाते आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं निशान लगा दिया, और सेम
वही चीज़ हमें नेक्स्ट साइड भी रिपीट करनी है। तो दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो लाइन है, लाइन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर लाइन डिस्टर्ब होगी तो फिर आपकी पतंग जो है वो गड़बड़ बनने लगेगी। ये देखिए नेक्स्ट जो है मैंने वहाँ लगा दिया। अब दोस्तों हमें अपनी पतंग दोबारा से टर्न करनी है, वही ट्रायंगुलर शेप में लेकर आनी है। और ये देखिए हमने ट्रायंगुलर शेप में हम वापस आ गए। अब दोस्तों पहला स्टेप यहाँ हमारा ख़त्म होता है, दूसरा स्टेप चलिए आगे शुरू करते हैं उसको। दोस्तों दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये वही 26.5 इंच का निशान है जो हमने लगाया था, और ये निशान जो है हमारा ये 23.5 इंच पे जो छड्डे का निशान लगा था 23.5 इंचेस का, वो निशान है ये। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है दोनों पर। देखिए इस टाइप से मैंने अपना रखा, और मैंने लाइन पहले से खींच के रखी है आप लोगों को रेफरेंस के लिए दिखाने के लिए। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ज़रा से भी तिरछी लाइन नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आपका फर्मा खराब हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने लिया और इस टाइप से मैंने ये खींच के स्ट्रेट लाइन बना दी। ये देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई है दोस्तों। और दूसरे स्टेप में हमें और कुछ नहीं करना है, और अब दोस्तों हम अपने बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तो चलिए इस तीसरे स्टेप भी हम लोग जल्दी देख लेते हैं। दोस्तों ये 7.5 तक तो हमने लाइन बना ली है अपनी, ये देखिए। अब 7.5 के आगे ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर आपकी चेपी लगती है, और इसको कुंदा बोलते हैं, पतंग का कुंदा बोलते हैं। ये देखिए आप लोग इसको पतंग का कुंदा बोलते हैं। तो अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि अपना मार्कर दोबारा लेना है, और इसके बाद ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन थी यहाँ से यहाँ तक आई है, ये देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन को हमें, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, और इस स्ट्रेट लाइन को हमें आगे कंटिन्यू करना है। और ये देखिए, और ये स्ट्रेट लाइन देखिए आप गोल भी कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं सीधा भी रह सकते हैं। और ये देखिए हल्का सा मैंने क्या कहते हैं अंदर कर्व कर दिया है। अब देखिए ये हल्का सा कर्व किया मैंने, ये हमारी लाइन आई और ये हम लेके गए, और इसको हमने क्या कहते हैं हल्का सा यहाँ जाके कर्व कर दिया है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए इस टाइप से हमने कर्व कर दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है ये कि ये हमारा जो हमने लाइन खींची स्ट्रेट लाइन, इधर से ऐसे हम लोग ने एक ये बना दिया। अब दोस्तों ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पर हमारे जो काप जो होगी, काप ये होल्ड करती है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमारा पतंग का फर्मा रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। वो देखिए ऊपर से हमारा क्या कहते हैं वहाँ से यहाँ तक फर्मा रेडी हो चुका है, और ये 7.5 इंचेज़ है काप से लेकर यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो है ये आपकी 7.5 इंचेज़ है, ठीक है। 7.5 इंचेज़ के आसपास आपको यहाँ से कर्व करना है, ठीक है। 7.5 इंच के बाद आपको यहाँ से हल्का सा कर्व करना है ऊपर, ये कर्व करके ऊपर लेके जाएंगे आप, और इस टाइप से आपको मीट करा देना है, ठीक है दोस्तों। और ये 7.5 इंचेज़ का बाद का जो है ये यहाँ से लेके ठड्डे का हिस्सा जो है ये आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन गई है, ये वाली स्ट्रेट लाइन गई है, देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसको कटिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ, तो फिर कटिंग करके मैं आपको चलिए दिखाता हूँ उसको। तो ये हमारा पतंग का फर्मा रेडी हो चुका है, मैंने इसको कट कर लिया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये साइड से मैंने पलटाई के लिए जगह छोड़ दी है, मतलब वो 2,350 था, लेकिन पलटाई भी होती है पतंग पे, तो जितनी पलटाई आपको करनी होती है, जितनी महीन पलटाई कर पाएंगे आप, तो उतनी जगह मैंने इसमें छोड़ दी है। और ये मैंने सिर्फ यहाँ से नहीं, साइड से भी जोड़ी है, देखिए साइड से भी मैंने जगह छोड़ दी है। तो आपको पलटाई के लिए भी साइड से भी जगह छोड़नी है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये मैंने साइड से भी हल्की हल्की जगह छोड़ रखी है, मेरी लाइन यहाँ पर आ रही थी बट मैंने यहाँ हल्की हल्की जगह पलटाई के लिए छोड़ दी है दोस्तों। और ये देखिएगा पतंग का फर्मा, देखिए ये 7.5 इंच के बाद यहाँ से देखिए हल्का बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, 7.5 इंच के बाद बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। और 7.5 इंच यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से मैंने नापना शुरू किया था, यहाँ से 7.5 इंच तक गोलाई में गया, ये देखिए गोलाई में। और जितना गोलाई में आप करेंगे आप और भी गोलाई कर सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ भी गोलाई ले सकते हैं पतंग की, और जितनी आप गोलाई लोगे उतनी पतंग चाल पे चलेगी, मतलब उतनी पतंग दूर की होगी, और जितनी कम गोलाई होगी उतनी मारधाड़ वाली पतंग होगी। और दोस्तों इस पे आप, ये आपका कुंदा कहा जाता है, और कुंदा आपका 7.5 से 7 इंच का लगभग होता है, और इसके आगे जो आपका होता है वो पतंग बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल पलटाई उसकी स्ट्रेट जाती है। तो उस टाइप से मैंने क्या कहते हैं उसको स्ट्रेट कहता है। और ये देखिए
नीचे से कहते हैं मैंने ये काटा है 23.5 इंच का फरमा, और ये आप मेजर करोगे यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक, तो ये आपका लगभग 26.5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये पदफरमा कैसे बनता है ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, और कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो तो मेरे को ज़रूर पूछ लेना। सॉरी यार, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और इस फरमे पे मैं वीडियो भी बना के दिखाऊंगा, पतंग भी बना के दिखाऊंगा, और उसका वीडियो भी शेयर करूंगा और उड़ा के भी दिखाऊंगा जल्दी आप सभी को। तो और हाँ, आप काइट मेकिंग का वीडियो भी मैं क्या सोच रहा हूँ कल परसों में डाल दूँ, और इस फरमे का वीडियो एक्चुअली में अलग से आएगा यार, वेट करना। और कोई क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो तुरंत पूछ लेना, क्या कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। अगर आप नीचे क्वेश्चन क्या कहते हैं कोई हो तो मेरा मेरे को नीचे कमेंट में डाल देना, मैं उसको जरूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इस टाइप से हमने एक फरमा बना लिया, अपना फरमा बनाया है, किसी उस्ताद का फरमा नहीं लिया है हमने। और दोस्तों आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं बहुत सारे, समझे, यहाँ पर 7.5 जो वेरिएशन होता है, देखिए सब कुछ सेम रहेगा लेकिन वेरिएशन क्या हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे भी पतंग बनाने वाले हो वैसे कैसे वेरिएशन करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वेरिएशन कहाँ से होगा ये भी बताता हूँ। देखिए जहाँ से आपकी ये काप शुरू होती है, 26.5 से जहाँ ये काप शुरू होती है, ये हिस्सा, ये 7.5 इंच का होता है, ये 7.5 इंच में आप हज़ारों वेरिएशन कर सकते हैं और हज़ारों तरह की पतंग इससे बना सकते हैं, लेकिन इसके आगे कोई वेरिएशन नहीं होता है अगर आपको एक प्रोफेशनल पौनी पतंग बनानी है तो। और इसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। ये 7.5 इंच का जो हिस्सा है, देखिए चेपी को क्या कहते हैं रोकने के लिए होता है, ये देखिए 7.5 इंच के हिस्से में यहाँ पर आपको इसको ऑल गोल कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा कम गोल कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं आप कुछ भी यहाँ पर आप वेरिएशन कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी काप चढ़ानी पड़ेगा। और जो खेल होता है कुंदे का खेल होता है, ये कुंदा कहा जाता है, इसके आगे बस खेल होता है। इसी में जितने भी आप पतंगबाज या आप कितनी पतंग बनाने, देखिए इसके आगे का हिस्सा ठड्डा जो होता है वो हिस्सा सब सेम होता है, बट खेल कुंदे का होता है। यहाँ से देखेंगे कुछ की पतंग गोल होती है, कुछ की पतंग सीधी होती है, कुछ की पतंग कैसी होती है, तो यहाँ से आप अपना तरह का वेरिएशन आप कर सकते हैं। वेरिएशन करके मैंने आपको दिखाया भी है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तभी भी कोई क्वेश्चन हो तो यार मेरे को पूछ लेना, कोई बात नहीं है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, जल्दी वीडियो डालूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, और वंदे मातरम। दोस्तों हम लोग तीसरे स्टेप में अपने आ चुके हैं, और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें एक चाहिए मेजरिंग टेप, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा 26.5 का जो हमने वो लगाया था अपना आपका जो हमारा मेजरिंग थी वो 26.5 की थी, ये 26.5 का वो निशान है, और ये हमारा ठड्डे का निशान है, जहाँ ठड्डे यहाँ से ठड्डा हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठड्डा हमारा नीचे जाके 23 इंच का ठड्डा हमारा लगा है। ये देखिए 23.5 मैंने यहाँ से लिखा है, यहाँ से हमारा क्या कहते हैं ऊपर वाला ठड्डा स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हमारी काप का पहला सिरा जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा सिरा काप का, ठीक है दोस्तों। अब ये देख सकते हैं ये हमारा मेजर करेंगे इसको, और ये 17 इंच के आसपास हमारे ठड्डे से लेकर जो काप की दूरी है वो 17 के आसपास लगभग आ रही है, 17 के आसपास आ रही है, तो 17 के आसपास लगभग आ रही है। तो हम लोग क्या कहते हैं काप से शुरू कर रहा है, हमने काप से शुरू किया, और काप से शुरू करके बीच में आपका जहाँ 7.5 इंच पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 7.5 इंच पे 7.5 इंचेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 7.5 इंचेस दूरी है, ठीक है 7.5 इंचेस ये दूरी है, यहाँ पर मैंने एक मार्क लगाया है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, हमें फिर एक स्केल लेनी है, और जहाँ पर 7.5 इंचेस हमने क्या कहते हैं मार्क लगाया था, ठीक है दोस्तों 7.5 इंचेस मार्क लगाया था, वहाँ पर हमें क्या कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, वहाँ से 7.5 इंचेस लिया, और जहाँ से हमारा ठड्डा शुरू हो रहा है, ठीक है यहाँ से ठड्डा हमारा शुरू हो रहा है, ठड्डे ऊपर का हिस्सा ये है, तो वहाँ से 7.5 इंच जहाँ पर दूरी है तो वहाँ हमने एक सीधी लाइन खींच ली। ये देखिए दोस्तों ये हमारी सीधी लाइन है, ये वाली सीधी लाइन है, ठीक है दोस्तों ये सीधी लाइन हमने खींच ली। अब ये सीधी लाइन हमने खींच ली है, अब दोस्तों हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या